साल 2024 में लोकसभा चुनाव में जब मोदी सरकार जनता के बीच जाएगी तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि देश के आधारभूत ढांचे यानी राजमार्गों और सड़कों के निर्माण की होगी। और अब इसी कड़ी में मुंबई का अटल सेतु जुड़ने जा रहा है, जो मोदी सरकार के विकास कार्यों में सबसे ऐतिहासिक साबित होगा। जी हां, अटल सेतु का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है। यह हाईवे करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और बड़ी बात यह है कि हर मामले में अटल सेतु अपने आप में बेमिसाल है और पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसे देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल बताया जा रहा है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। एक वक्त था जब मुंबई से नवी मुंबई में जाने में लोगों को 2 घंटे का समय लगता था। ऊपर से ट्रैफिक जाम यात्रियों का सिरदर्द बढ़ा देता था, लेकिन अटल सेतु से अब ये सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा होगा और पूरी रफ्तार के साथ आपकी गाड़ी भी चलेगी और बीच में बिना रुकावट के आप आ जा सकते हैं। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई में NH-4B पर चिरले से जोड़ने का काम करेगा। ये 52 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 21.8 किलोमीटर में तब्दील कर देगा। ये 70,000 से ज्यादा वाहनों का भार उठाएगा। आपको बता दें कि समुद्र पर ये पुल करीब 16.5 किलोमीटर लंबा है। जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई टोल बूथ नहीं है। इसकी जगह पर टोल प्लाजा होंगे और जिसके जरिए टोल टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। एक यात्री के लिए इसका टैक्स 250 रुपए लगेगा, जो कुछ सालों के बाद कम कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि समुद्री पुल पर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर तक रहने वाली है और पुल पर चढ़ते और उतरते वक्त ये स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 10 देशों के एक्सपर्ट्स और 15,000 स्किल्ड वर्कर्स की मदद से किया गया है। ये पुल भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 साल तक खड़ा रहने में सक्षम है, लेकिन बाइक, मोपेड, तिपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर और जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों को इस पुल पर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। इसके अलावा जो गाड़ियां धीमी स्पीड से चलती हैं, वो गाड़ियां भी इस पुल पर प्रतिबंधित हैं।